My precious friend, God is a God who strengthens us. मेरे बहुमूल्य दोस्तों, परमेश्वर तो ऐसे परमेश्वर है जो हमें बल देते हैं. He will strengthen you. वो आपको बल देंगे. He will keep your way secure. वो आपके मार्गों को सुरक्षित रखेंगे. You will be protected. आप सुरक्षित रहेंगे. You'll be kept as God's child. आपको परमेश्वर के संतान के रूप में रखा जाएगा. Your name will be protected. आपका नाम सुरक्षित रहेगा. Your family will be protected. आपका परिवार सुरक्षित रहेगा. The favor in your job and in your business will be protected. आपकी नौकरी और आपके व्यापार में जो कृपा है वो सुरक्षित रहेगी. And for this God arms you with his strength. और ये परमेश्वर अपने बल से आपको घेर लेता है. Yes, as long as we are in the flesh. जब तक कि हम शरीर में होते हैं. We are weak people. हम तो कमजोर लोग होते हैं. We have many weaknesses. हम में बहुत सी कमजोरियां होती हैं. Because of that we fall. और उसके कारण हम गिर जाते हैं. We are not able to accomplish what has to be accomplished. हमें जो हासिल करना है उसे हम हासिल नहीं कर पाते हैं. We are not able to achieve what we need to achieve. हमें जो कुछ भी प्राप्त करना है उसे नहीं प्राप्त कर पाते. We are not able to receive the reward which we long for. और जो प्रतिफल हम पाना चाहते हैं हम उसे नहीं ले पाते हैं. But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, My child, in your weakness, my strength will be perfected by me in your life. मेरी संतान, तेरी कमजोरी में मेरा जो बल है वो तुम में सिद्ध होते चला जाएगा. I will have mercy on you and show my mercies and my grace so that you will not be consumed in the world. मैं तुम पर दया करूंगा और अनुग्रह करूंगा ताकि तुम इस संसार में भस्म ना हो. And in 1 Peter 5:10 और फिर पहला पत्रस 5:10 कहता है, The scripture says that he will strengthen you. वचन कहता है कि वो आपको बल देगा. After restoring you. आपको नया बनाने के द्वारा. And he will establish you. और वो आपको स्थापित करेगा. And he will bring you to the high place which he has prepared for you. और उसने आपके लिए जो ऊंचा स्थान तैयार किया उस जगह पर वो आपको लेकर आएंगे. You are going to rise up. आप उठ खड़े होंगे. God is strengthening you in your spirit, in your body, in your family, in your life. परमेश्वर आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, आपके जीवन में आपको बल देते जा रहे हैं. Yes, according to Deuteronomy 9:29. व्यवस्था विवरण अध्याय 9 वचन 29 के अनुसार, He will bring you into the plans that he has for you, good plans he has for you by his great power. वो तो अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा वो आपके लिए जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें आपको लेकर आएगा. And in 2 Kings 17:36 और दूसरा राजा 17:36 से कहता है, By his power he will make you fear him and rever him and follow after God. और अपने बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वो तो निश्चय ऐसा करेगा कि आप परमेश्वर के पीछे चलने लगेंगे. And in 1 Kings 8:42 पहला राजा 8:42 में, By his great power and mighty hand He will enable you to come and pray to him and believe God and trust God for everything. वो तो अपने बड़े नाम और बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा का समाचार पाए और इसीलिए जब ऐसा होगा कि आप आकर भवन में उसकी ओर प्रार्थना करने. And in Isaiah 40 and verse 11. और फिर यशा अध्याय 40 वचन 11 में, By his power he will gather you and keep you close to his heart. अपनी सामर्थ के द्वारा वो आपको एक जगह जमा करेगा और अपने दिल के करीब रखेगा. And as a good shepherd, he will feed you and care for you. और वो एक अच्छे चरवाहे के जैसे आपकी देखभाल करेगा, आपको भोजन देगा. You will have everything richly to enjoy. आपके पास में सब कुछ आनंद उठाने के लिए भरपूरी से होगा. Run into the power of God. परमेश्वर की सामर्थ में दौड़ कर जाएं. And have the full measure of his blessing. और उसकी पूरी आशीष को भरपूरी से पाएं. In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में. God bless you. प्रभु आपको आशीष दे.